कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने प्रशासन द्वारा क्रेशर को अवैध बताने के मामले में आज प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। गुंजल ने कहा कि लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले सरकार और प्रशासन बौखलाया हुआ है, बदले की नियत से अवैध कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। 17 तारीख को आईजी ने बैठक लेकर बावड़ीखेड़ा में क्रेशर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए और उस पर कलेक्टर की तरफ से 22 तारीख को 7 विभागों को जिम्मेदारी दी गई कार्रवाई की। गुंजल ने कहा कि अब तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन और कोटा रेंज के आईजी सारी व्यवस्था का ठेकेदार बन गए हैं और जो भाजपा विरोधी है उनको टारगेट किया जा रहा है। गुंजल ने कहा कि राजाराम भेल नाम के व्यक्ति की खातेदार जमीन को साल 2010 में एसडीएम लाटपुरा ने क्रेशर के लिए कन्वर्जन किया है। इसमें सभी एनओसी के बाद इसका कन्वर्जन हुआ है, लेकिन प्रशासन अब उसको अवैध बता रहा है। गुंजल ने ये भी कहा कि अब आर पार की लड़ाई लड़ने का समय आ गया है, या तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा या फिर आईजी की दादागिरी चलेगी। 4 जून के बाद प्रशासन को अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसके लिए उनको मजबूर कर दूंगा। गणना से पहले सरकार और प्रशासन बौखलाया हुआ है, बदले की नियत से अवैध कार्रवाइयां करना प्रारंभ कर दिया है। 17 तारीख को आईजी ने एक बैठक ली और बिंदु संख्या 2, जिसका हवाला नहीं है, लेटर मुझे मिला है व्यक्ति का सोर्स से, अधिकृत रूप से नहीं, कि बावड़ीखेड़ा में एक क्रेशर संचालित है जो अवैध है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उस पर कलेक्टर की तरफ से 22 तारीख को 7 विभागों को संयुक्त जिम्मेदारी दिए, पुलिस, डीएफओ, यूआईटी, एसडीएम, पॉल्यूशन, परिवहन और माइनिंग। ऐसा लगता है जो सारा प्रशासन पंगु हो गया, शासन और आईजी अब यहाँ सारी व्यवस्था का ठेकेदार बन गया और ठेकेदार बनकर कौन कौन भाजपा विरोधी है उन सबको कैसे शासन की ताकत के बूते पर टारगेट किया जा सकता है, ये कार्रवाई उसका हिस्सा है। मैंने सब दस्तावेज आपको दिए हैं, राजाराम भील नाम के व्यक्ति की खातेदार की ये जमीन है। 9/7/2010 को एसडीएम लाडपुरा ने एक्सक्लूसिवली क्रेशर के लिए इसका कन्वर्जन किया है और जब क्रेशर का कन्वर्जन होता है तो फॉरेस्ट की, वाइल्ड लाइफ की, रेवेन्यू की, तमाम एनओसियों के बाद ये संभव होता है। मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, आर पार की लड़ाई, या तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, या आईजी की दादागिरी चलेगी। आर पार की लड़ाई 4 तारीख के बाद लड़ूंगा। यह आईजी चाहता है कैसे भी उत्पात हो, मैं शांति से नाप ले। मेरी विनम्र प्रार्थना, आप सब लोग आ रहे हैं, एक इंच जमीन मेरी अवैध नहीं, एक इंच जैसी जमीन मैंने खातेदार से खरीदी है उसी पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया, पक्का रैंप वगैरह सारा सब कुछ, एक इंच आगे पीछे नहीं किया। जो कच्ची बाउंड्री थी खातेदार की, उसी में उसी ने कन्वर्जन करा के मेरे नाम रजिस्ट्री कराइए। 4 तारीख के बाद प्रशासन को एक एक कार्रवाई पारदर्शिता से और लोगों के खिलाफ करनी पड़ेगी, इसके लिए मजबूर कर दूंगा। सारी कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग मिलकर इस आईजी के खिलाफ पूरी ताकत से 4 तारीख के बाद आर पार का संघर्ष करेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आईजी चाहता है कि हम पहले उत्तेजित हो जाए, मुकदमे लग जाए, गिरफ्तारी हो जाए और मतगणना में इन लोगों को धांधली करने का मौका मिल जाए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, मतगणना के बारे में बाद में बात करूंगा, आज केवल इतना कह रहा हूँ, मैंने एक एक कागज आपको दिया है क्रम से। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।